शैलेश जी, आपको नहीं लगता कि जहां तक मोदी जी की छवि का सवाल है, मोदी जी की छवि पर उन्हीं का जो सबसे करीबी कॉरपोरेट समूह का व्यक्ति है वो उनकी छवि पर इस समय दाग लगा रहा है, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर? ठीक है, भारत के लोगों को समझ नहीं है कॉरपोरेट गवर्नेंस की या कॉरपोरेट मिस गवर्नेंस की, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स पर क्या इस तरीके से सरकार लोगों को बेवकूफ बना सकती है? क्योंकि बीबीसी की अभी जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसको लेकर भी मोदी जी की छवि पर ही लोग बात कर रहे हैं कि देखिए इंटरनेशनल फोरम पर, क्योंकि वो सेक्युलर इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने उसको तार तार कर दिया। इसी तरह से अब यूएस के मार्केट को ध्यान में रखते हुए भी अगर हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये रिपोर्ट निकाली है तो भी इंटरनेशनल लेवल पर क्या आज भारत की इससे थू थू नहीं होती है कि किस तरीके से यहाँ पर कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जाता है और जो व्यक्ति कर रहा है वो सबसे करीबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? तो क्या कहेंगे मोदी जी की छवि के बारे में जो इस समय इंटरनेशनली बिल्कुल दागदार हो रही है? देखिए, दो दो हिस्से हैं मोदी जी की जो छवि है उसके, एक तो भारत में वो उसका एक कलर रंग जो है वो अलग है और एक विदेशों में उसका रंग अलग है। और ये सब जो आर्थिक घोटाले हैं ना, दुनिया के बाकी जो देश हैं वो हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ ये और भी होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ये कुछ सजा भी होती रहती है। ये जो सब प्राइम क्राइसिस और ये सारी चीज़ें जो आप सुनते हैं ये वही सब है, यहाँ लोगों ने उसी से सीखा है। और दूसरे जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो तो इसमें फ़ायदा उठाते हैं, जब शेयर के रेट बढ़ रहे हैं कम होते हैं तो वो खरीद लेते हैं, थोड़े दिनों के बाद बेच के निकल जाते हैं, तो उन्होंने तो अपना मुनाफा कमा लिया, तो इसलिए उनको कोई इतराज नहीं है। लॉन्ग टर्म में अडानी के शेयरों पर भले ही फर्क पड़े, दूध किसी और के शेयर पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए ये छवि वगैरह को लेकर के मोदी जी कतई परेशान नहीं रहते। आप देखिए, दुनिया में एक भारत के साथ, चूंकि भारत के पास जो है असीमित क्षमताएं हैं, तो एक बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी और मोदी ये दोनों जो हैं उनका वो हिंदुत्ववादी हैं सब कुछ के बावजूद, लेकिन आप देखिए कि गल्फ में यूएई से लेकर सऊदी से लेकर के सारे देशों के साथ संबंध ठीक हो रहे हैं, क्योंकि हम उनके लिए बहुत सारी चीज़ों के सप्लायर हैं, हमसे बेहतर चीजें उनको कोई दे नहीं सकता था, दे नहीं जो सकता एक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल चैलेंज जो मेरे मन में आ रहा है कि अदानी समूह ने जो भी मिस गवर्नेंस इसमें की हो, कोई भी मैनिपुलेशन किया हो, फ्रॉड किया हो, लेकिन बाकी जो कॉर्पोरेट्स अपने देश के हैं जिनको सरकार का इतना ज्यादा समर्थन नहीं है, क्या आप आज उनको बल नहीं मिलता कि वो भी वही काम करें, वो भी उसी तरीके से मैनिपुलेट करें, फ्रॉड करें, और फिर उनका सरकार कोई बाल बाका नहीं करेगा, ऐसी कितनी भी रिपोर्ट आती रहे वो कुछ भी करके साफ होकर निकल जाएंगे? देखिए, ये जो भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो शेयर बाजार है वो दो हिस्सों में बहुत दिनों से बटा हुआ है, बहुत पहले से 50 के दशक से ही बटा हुआ है। एक तरफ वो फ्रॉड करने वाले हैं, वो आते हैं फ्रॉड करके अपने आप को बढ़ा लेते हैं, उनमें से कई गायब हो जाते हैं, फिर नई कंपनी के साथ सामने आते हैं, और एक जो है जो सचमुच देश के लिए काम करते हैं, जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, मतलब टाटा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इवन बिरलाज हैं, तो ये अपने इनकी जो शाख है वो इनके इनका जो उत्पादन है और जो इनका बाजार के साथ संबंध है उसके साथ है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास 10 साल पहले तक देखिए तो उनके पास क्या उद्योग था, कुछ भी उद्योग नहीं, लेकिन उनका शेयर जो है टॉप पे रहता था, क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब आप समझ लीजिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी दिखाया गया वो भी बहुत सीधा और साधारण सा है, एक लाइन में समझने के लायक है। ये सारे के सारे जो जो कंपनियां शेयर मार्केट में उठाने चढ़ाने का काम करती हैं, वह अपनी ही किसी फर्जी कंपनी को या किसी ब्रोकर को किसी और रास्ते से फाइनेंस करती हैं और ये कहती हैं कि हमारा शेयर खरीदो। जब उनका शेयर खरीदने लगते हैं तो उसकी कीमत ऊपर जाने लगती है, जब ऊपर जाने लगती है तो ये अपना कुछ शेयर बेच देते हैं, अपना निकाल लेते हैं, उसके बाद शेयर जो है फिर नीचे आता है और तब जो बीच वाले खरीददार हैं वो मारे जाते हैं। जब जो लोग ये सोचते हैं कि आज शेयर का रेट 100 रुपए है, कल 105 हो गया, कल 110 हो गया, तो वो 110 पे जो खरीदते हैं ना वो मारे जाते हैं, लेकिन बाकी जो है वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए जो एक एक पूरा वर्ग है, अब नाम नहीं लेना चाहता मैं क्योंकि वो किसी और चीज से भी आइडेंटिफाई होने लगेगा, वो सब इसी तरह से मैनिपुलेट करके आगे बढ़ते हैं, बाद में उसमें से पैसा आया तो कुछ उद्योग भी लगा लिया, कुछ काम भी शुरू कर दिया, अदरवाइज आप देखें तो वो उनके शेयर उस समय भी बहुत ऊपर रहते हैं जब कुछ नहीं कर रहे होते,
जब उनकी कंपनियां घाटे में, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक बड़ा गंभीर असर या कोई एक बहुत सीरियस इम्पैक्ट आप देखते हो? जो भी कुछ अदानी को नुकसान हुआ है, अदानी का जो इंडिविजुअल लॉस हुआ है वो तो ठीक है, वो तो आ ही रहा है कि कुछ $65 बिलियन का कुछ उनको नुकसान हुआ है, लेकिन आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा जिस तरीके से ये पूरा फ्रॉड प्ले आउट कर रहा है? देखिए, ये शेयर जो है ना, ये भी ये एक बहुत विचित्र खेल है। ये जो कंपनियां कहती हैं और अडानी जो कहते हैं कि, या अखबारों में छपा कि वो दुनिया के तीसरे नंबर के धनी व्यक्ति बनी है, इतनी संपत्ति उनके पास है क्योंकि उनके पास शेयर है, लेकिन वो शेयरों का जो उस पर टैक्स लगना चाहिए ना, लगता है, वो टैक्स नहीं देते। तब वो कहते हैं कि वो शेयर है, वैल्यू है, वो तो वही, हमने तो बेचा नहीं है, तो उस पर टैक्स नहीं देते। जो शेयर है वो उसको जब ये अपने आप को धनाढ्य कहने की बात आती है तो कहते हैं कि ये हमारा इतना हो गया। असलियत ये है कि वो 10 रुपए का शेयर है, मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है, ऊपर के 10,000 का हो गया, तो ये 10,000 रुपए है नहीं कहीं, ये दरअसल 10,000 रुपए उनके पास नहीं है, उसमें से कुछ पैसा उनके पास है कुछ, तो वो जो घाटा हुआ है वो नोशनल होता है, कई बार वो नोशनल होता है। ये 65,000 करोड़ मार्केट में ये अदानी की जेब से नहीं गया, कुछ जो जिसका जो मुनाफा, अभी तक तो मुनाफे में ही खेल चल रहा है, जो शेयर है उसके बेस प्राइस से ऊपर है। LIC ने भी एक बयान में कहा है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि हमने जिस रेट में खरीदा है उससे हम ऊपर है अभी भी। तो ये जो खेल है ना, वो दुनिया भर के शेयर मार्केट में ये खेल चलता है कि एक नोशनल वैल्यू दिखा करके और अपने आप को धनाढ्य सुपर धनाढ्य वगैरह दिखाते रहते हैं, और लेकिन उस पर टैक्स नहीं देते। आप देखिए जरा सारा निकाल करके कि अडानी ने कितना टैक्स दिया, अगर इतनी संपत्ति उनकी बढ़ गई है। जो बस आप आखिर में ये मैं पूछना चाहूंगी कि अडानी को इसके लिए पीनलाइज नहीं कर पाएगी सरकार किसी भी चीज को लेकर, किसी भी एक एस्पेक्ट को उठाकर, या उनको कटघरे में खड़ा कर सकती है? कुछ मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार आ जाए कटघरे में। एक तो जो जिस तरह से सरकारों को या मंत्रियों को नियंत्रित किया जाता है वो अपनी जगह पर है, उसके अलावा दूसरी जो बड़ी चीज होती है कि ये जो स्टेट बैंक है या LIC है, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट, आप अगर कार के लिए लोन लेने जाइए और मकान के लिए लोन लेने जाइए तो सबसे पहले कहते हैं कि काउंटर गारंटी क्या है, मतलब आप कुछ गिरवी रखिए तब हम आपको लोन देंगे, और अगर लोन चुका नहीं पाएंगे तो वो गिरवी जो है वो आपका गया। आम तौर पर शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए जाते हैं वो जो है वो सुरक्षित नहीं होते क्योंकि आपने उनसे शेयर खरीद लिए, 10 रुपए का शेयर आपने 2,000 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, तो जब तक वो 2,000 से ऊपर है तब तक तो आप फायदे में हैं, और जैसे ही 2,000 से नीचे आएगा तो वो जो है आपका नुकसान शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो और उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आपने शेयर पर पैसा लगाया है, अब वो शेयर अगर चला गया, उसकी कीमत कम हो गई, तो आपकी जिम्मेदारी है, तो इसलिए जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, और ये मैनिपुलेशन का एक बड़ा कारण है, काउंटर गारंटी नहीं होती। चलिए तो अब देखना होगा कि सरकार इसको कैसे फेस करती है। बजट सेशन परसों से ही शुरू होने वाला है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर हंगामा होगा, लेकिन क्या जनता इस पूरे फ्रॉड को समझ पाएगी ये भी एक बड़ा सवाल है, और क्या विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा पाएगा ताकि मोदी सरकार को और अडानी समूह को वो कटघरे में खड़ा कर सके। थैंक यू सो मच शैलेश जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ एंगल 360 पर क्यूआर नेटवर्क पर। थैंक यू।